बालाघाट जिले की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां ब्रिटिश कालीन डोंगरबोड़ी का जलाशय फूटा। डैम फूटते ही आसपास के ग्रामीणों में फैली दहशत। बालाघाट मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ब्रिटिश कालीन डोंगरबोड़ी का जलाशय फूटा, लाखों का नुकसान। लगातार हो रही बारिश से जलाशय की जर्जर पार फूटी। ओरमा ग्राम पंचायत का मामला, 100 हेक्टेयर में फैला जलाशय की मछली भी बही। जंगल और पहाड़ियों का पानी होता था जलाशय में जमा। मछुआरों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। जर्जर जलाशय के प्रति जल संसाधन विभाग की घोर लापरवाही, और अधिक फूटा तो जलाशय तो कई किसानों को हो सकता है भारी नुकसान। वहीं दहशत में शमनापुर, डोंगरबोड़ी और ओरमा के किसान, जो यह तस्वीर देख सकते हैं कि विशाल जलाशय का यह पार फूट चुकी है। वहीं आपको बता दें, बालाघाट जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर है, वहीं समनापुर के समीप ब्रिटिश कालीन डोंगरबोड़ी का जलाशय फूट गया है। यह तस्वीर से आप साफ दिखाई दे रहा है कि कितने भयावह तरीके से पार फूटी है। समनापुर के समीप ब्रिटिश कालीन डोंगरबोड़ी का जलाशय फूटा है, जहाँ जलाशय फूटने से आसपास के क्षेत्र में हाहाकार मच गया है। प्राचीन तालाब से क्षेत्र में सिंचाई होती थी। डैम के फूटने के बाद पानी के बहाव से कई खेतों की फसलें भी बह गई हैं। करीब 100 हेक्टेयर में फैले यह क्षेत्रफल में जलाशय की मछलियां भी पानी के साथ बह गई। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जलाशय की जर्जर पाट फूट गई है। यह तालाब ओरमा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल करीब 100 हेक्टेयर में फैला था। जलाशय में जंगल और पहाड़ों का पानी स्टोर होता था। जलाशय में क्षमता से अधिक पानी जमा होने से यह फूट गया है। जलाशय टूटने से मछुआरों को लाखों रुपए का नुकसान का दावा किया जा रहा है।